प्रदेश में कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के उल्लंघन पर दूदू में पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। दूदू थाना प्रभारी ने लॉकडाउन उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 88,500 रुपए भी जब्त किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दास शर्मा के निर्देश पर दूदू थाना प्रभारी सुरेश यादव ने लॉकडाउन का बिना कारण उल्लंघन करने पर कार्रवाई की है। इसमें अजमेर के रहने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनकी क्रेटा गाड़ी को भी जब्त किया है, साथ ही नकदी भी बरामद की है। विभिन्न कार्रवाइयों में और लॉकडाउन की पालना की ड्यूटी में मसरूफ थे। इसी दौरान एक क्रेटा गाड़ी में दो व्यक्ति हमारे को देख करके और तेज गति से उस वाहन को भगाने लगे। इनको बड़ी मुश्किल से हमने रोका, तो इन लोगों ने कोई मास्क भी नहीं पहन रखा था तथा इनके पास गाड़ी के को ले जाने के लिए कोई वैलिड पास वगैरह भी किसी अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किया गया था। इन शख्सान से हमने जब गहराई से बारीकी से पूछा तो इन्होंने बताया कि ये किसी अवैध काम के लिए उसी महत गांव में जा रहे थे जहां हमने कार्रवाई की थी। इस बात